I'm abstaining. दांदरी एक इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन के बाद होती और एक इलेक्शन के दिन थी। सामने वाले को बिठाया नहीं था, सामने वाले को उठा लिया गया था। 85 नॉन पार्टी था, 88 पार्टी इलेक्शंस था, ये ज़ियाउल्लाह में कैसे टिल्ट आया? ये ज़ियाउल्लाह जिंदा होते तो शायद गैर जमाती होती। बम 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 टडडन डन डडन। अगर आप मेरी तरह 80s और 90s में पाकिस्तान में पले बड़े हैं तो यकीनन 9 बजे का खबरनामा आपने ज़रूर देखा होगा। ये म्यूज़िक आपको याद होगी और ये नाम आपकी आंखों के सामने से ज़रूर गुजरा होगा। मजद शेख से जितने भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं, शेख साहब हैज़ बीन अ विटनेस टू ऑल ऑफ देम। 70 के इलेक्शन उन्होंने देखे, 77 के वक्त स्कूल में थे, 88, 90, 93, 97 पीटीवी हेडक्वार्टर्स में हुआ करते थे, 9 बजे का बुलेटिन तब भी करते थे, और 2002 के बाद प्राइवेट मीडिया में आ गए और जियो के साथ मुंसलिक हो गए। शेख साहब एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है और ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर आंसर्स। तो आइए चलते हैं इनसे इलेक्शन और इलेक्शन में होने वाली कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? ठीक है शेख साहब, इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे पूछनी थी। आप तो पीटीवी पे काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं और आई विटनेस आपके पास खाली अकाउंट्स मौजूद हैं, तो कुछ चीज़ें आपसे पूछनी है इलेक्शंस के हवाले से। हमारी टीम बना रही थी, एक पूरा सा प्रोजेक्ट बना रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आई इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और वो ये चीज़ें हैं कि 1977 के इलेक्शंस में धांधली हुई थी और भुट्टो साहब की हुकूमत चली गई थी, तहरीक चली थी, क्योंकि उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ था तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, और किताबों में जो मटीरियल हमारे पास दिया हुआ है वो भी वन साइडेड है। तो हुआ क्या था इलेक्शंस में? धांधली भी थी और उसके बाद भुट्टो साहब पे जो था वो उनके खिलाफ महाजार आई हुई थी, या क्या हुआ? सेब कई चीज़ें होती हैं इलेक्शन में। हाँ, इलेक्शन में धांधली होती है, ठीक है, कब होती है, कैसे होती है, देखना ये होता है। हाँ, इलेक्शन में धांधली एक इलेक्शन से पहले होती है, एक इलेक्शन के बाद होती है और एक इलेक्शन के दिन पे होती है। इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के बाद तो समझ आ गया, इलेक्शन से पहले कैसे होगी? इलेक्शन के इलेक्शन से पहले इस तरह, मैं जो इसको धांधली कहता हूँ, हाँ, किसी का हक छीनना या किसी को हिस्सा न लेने देना या किसी को कायद कर देना, जैसे आप, मैं आपको 77 के इलेक्शन की बात की आपने, तो 77 में भुट्टो साहब अनअपोज हुए थे, बिलामुकाबला मुंतखब हो मुंतखब हो गए थे, तो बैठा दिया होगा उसको 77, सामने वाले को बैठा दिया होगा। सामने वाले को बिठाया नहीं था, यही तो अलमिया है, सामने वाले को उठा लिया गया था। कैसे? अब उठा लिया, कोई कंधों में नहीं उठाया था, उठा लिया गया था, उसको गायब कर दिया गया था। नहीं, और फिर कब बाजी आई? पुलिस ने ये काम किया था। आप ये देखें, मैं ये किस्सा, ये मशहूर है और ये हुआ है, लाड़काना का डीसी और लाड़काना का एसएसपी उसमें मुलविस थे। लाड़काना का डीसी आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि कौन थे उस वक्त। कौन? उस वक्त लाड़काना के डीसी खालिद अहमद खरल थे, जो बाद में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे पीपल्स पार्टी की टिकट पे। वाह। और मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी साहब थे मरहूम, जमात इस्लामी के थे नायब अमीर, उसको उठाया था। वो पहले किसी लड़काना के किसी 70 के इलेक्शन में किसी और हलके से लड़ा था
अब ये डायरेक्ट इनके साथ मुकाबले में आ रहा था जुल्फकार अली भुट्टो के साथ, उसको इन्होंने उठवाया था, अनअपोज हो गया था। और मजे की बात बताऊं, उसकी देखा देखी भुट्टो साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, तो मैं भी हूँ मुंतखब, मैं भी ये करूंगा। ये कौन था? ये गुलाम मुस्तफा जतोई साहब ने किया, वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे सुबह असेंबली की। अच्छा ये बताइए, अब 85 के इलेक्शंस में एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट जनरल मुजीब रहमान साहब, एक टेरर थे और हमने जरा प्रेस फ्रीडम के हवाले से जो काम किया है उसमें इनका एक बहुत ही नेगेटिव किरदार रहा है कि इन्होंने कहा था कि हम सहाफ़ियों को जिंदा रहने का हक छीन लेंगे, और उन्होंने सहाफ़ी बरादरी जो खड़ी हो गई थी इनके अगेंस्ट और प्रोटेस्ट हुए थे 77-78 में, उसमें मुजीब रहमान एक तरफ थे और बाकी पूरी बरादरी दूसरी तरफ थी। इनकी छुट्टी कैसे हुई? जो मैंने पूछा है लोगों से वो ये था कि इन्होंने कोई तकरीर थी जो नेजो साहब की, उसमें से कोई जुमला काट दिया था। जुमला नहीं काटा था, असल ये हुआ था, मैं टीवी में तो नहीं था, ये 85 की बात है जो अगले 24 मार्च की है। अगले दिन जब वो हलफ के बाद जब वो असेंबली से एतमाद का वोट ले रहे थे, तो उस वक्त इनकी तकरीर जो थी वो लाइव नहीं दिखाई गई। तो मतलब नहीं दिखाई गई, हलफ बर्दारी तो लाइव आती है, अलग बर्दारी तो दिखा दी। हाँ, एतमाद का वोट जो असेंबली से ले रहा था मेंबरान से, हाँ, तो वो उनकी तकरीर जो थी असेंबली का सेशन लाइव नहीं दिखाया गया। उसमें जिसमें वो बड़ी तारीखी तकरीर थी, और अगर वो तकरीर उसमें ऐसी कोई बात न होती, बड़ी मजबूत और वो चीज़ ना होती, तो शायद वो दरगुजर भी कर जाते। मार्शल लॉ को कुछ कहा था? मैं उन्होंने कहा था कि उन्होंने दो चीज़ें सियासत और जमहूरियत और मार्शल लॉ एक साथ नहीं थी, तो कट वाली चीज़ थी और दिखाई नहीं। बाद में जब पता चलता है कि अरे ये तो तकरीर चली नहीं, तो उन्होंने इस पर गुस्सा किया और सेक्रेटरी साहब को उन्होंने छुरी चला के जब्त कर दिया। सही किया, और उन्होंने किसी और इदारे में उसको भेज दिया। वो शायद इसमें जोम में थे कि क्योंकि मार्शला नया नया अभी थोड़ी सिविली गवर्नमेंट है, तो इनकी अभी वो हैसियत और औकात नहीं है, तो इसलिए वो तो फिर जो नजर साहब थे कमज़ोर से दिखते तो थे लेकिन थे बड़े धाकड़, उन्होंने बहुत मुंह दिया था ज़ियालक को। हाँ नहीं नहीं वो तो ज़ियालक के साथ तो उनकी पेचे लड़ते रहते थे, हाँ पीछे लड़ाते रहते थे और बाज़ चीज़ों में आगे हो जाते थे, बाज़ में पीछे हो जाते थे। एक आखिरी सवाल है शेख साहब, ये 85 के इलेक्शन तो नॉन पार्टी थे, 88 के जो थे मुझे याद तो है, मैं स्कूल में था और स्कूल में भी हमारे यहाँ क्लास में उस ज़माने में मुझे याद है बहुत चीज़ें ना, एक डॉलर का पेन आता था तो मैंने 3 पेन लिए हुए थे, किसी के लाल ढक्कन था, किसी का पीछे का वो लाल था, मैंने एक वो बना दिया उसका फ्लेक का वो एक बना दिया। मुझे क्या पता क्या, एक लड़के ने आके पूछा तुम क्या पीपीपी के सपोर्टर हो, कद्दू का नहीं पता मुझे, मैं उसकी शक्ल देखता रहा, मैं भाई मुझे तो कुछ नहीं, भाई दिल में आए के पता होता तो बोलते कि भाई ए पॉलिटिकल हूँ पूरा मैं, लेकिन नहीं शुगर है, इतनी हम लोग के स्कूल में अवेयरनेस थी। तो 85 नॉन पार्टी था, 88 पार्टी इलेक्शन था, ये ज़ियालक में कैसे टिल्ट आया? ये अनाउंस ज़ियालक नहीं किए थे? ये शुक्र करें या कहना नहीं चाहिए, ज़ियालक जिंदा होते तो शायद गैर जमाती होती है। कैसे? ज़ियालक का तैयारा हादसा हो गया 17 अगस्त 1988 को, हाँ तो इलेक्शन आपके हुए थे नवंबर में, तो इस दौरान और भी कई चीज़ें थी जो हुई थी, खुद असेंबली जो जुनेजो साहब की डिजॉल्व हुई थी 29 मई 1988, वो असम्बली भी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी थी। हाँ बहाल कर दी बिल्कुल, मगर जस्टिस सलीम थे उस वक्त, नजरिया जरूरत नहीं 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 नजरिया जरूरत नहीं थी, जस्टिस सलीम साहब थे चीफ जस्टिस, बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने ये जजमेंट दी थी चूंकि असम्बली इलेक्शन हो रहे हैं, लोग कैंपेन में मसरूफ़ हैं
और अब ऐसे समिति को बहाल है बहाल, पर हम इसको अब कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन के प्रोसेस में हम चले तो गए। नजरिया जरूरत ही हुआ? नहीं नहीं नजरिया जरूरत नहीं है, बहरहाल एक होता है ना कि अब जो रुकावटें होती है ना बस दफा, जो हम समझते हैं कि नहीं कुछ नहीं ऐसा, बाज ऐसी अंध की रुकावटें होती हैं, जब वो हट जाती हैं ना तो फिर जरा रास्ता स्मूथ नजर आने लगता है। अब जैसे ज़ियालक का तैयारी का हादसा ना होता तो इलेक्शन खा भी होते 88 के नहीं होते, वो क्या पता है किसी की नीयत का। जब 77 में इलेक्शन कराने के लिए वो तैयार थे भुट्टो साहब, तब आपके दो सहाफियों ने उनको मना किया था ज़ियालक को। ये जो 90 दिन वाले, यस, अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए तैयार थे और इलेक्शन पीक पे थी। इलेक्शन से चंद दिन पहले आपने ऐलान किया दफातर पे ताले, इलेक्शन नहीं होंगे। क्यों? नहीं, वो कौन दो थे? वो दो कौन थे? वो दो साहब, एक तो बड़ा आजकल जमहूरियत का दर्श देता है, उसको आज जमहूरियत बड़ी अच्छी लगती है। कौन? ठीक है, और उस वक्त ज़ियालक को ये मशवरा दिया कि भुट्टो अभी भी मकबूल है और अगर इलेक्शन कराए तो आपका ही घाटा होगा, नुकसान होगा, इसलिए आप, हमारी तजवीज़ है कि आप इलेक्शन ना करें। हो गया तुम्हारा मसला? जी जी हो गया। अभी भी मेरी तरफ से आपको दावत है, खुली दावत है, जब भी कोई ऐसा मसला होगा या आप मुझसे शेयर करेंगे या पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, मुझे जिसका जितना पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ही के पास आएंगे। मैं उनमें से नहीं हूँ कि बात इतनी हो मैं उसको इतना कर दूँ। नहीं सर, ऐसी वरना आपके पास थोड़ी ज़्यादा। और मैं उनमें से भी नहीं हूँ कि अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा लूँ। चलें, आपसे और चीज़ें पूछेंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू शेख साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।